अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो ये लाल वाला बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ये ऐसे, और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिले सबसे पहले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन। बता देता हूँ बेल आइकॉन कहाँ पर है, ये एक बार आप ऐसे दबाएंगे, मैं थोड़ा बाहर आके बता देता हूँ, ये ऐसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है पाप, कहाँ है सांप, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो आ जाइए, ले जाइए, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि कहाँ जाना है, आप बताएंगे। बाबा बाबा, मैंने आपसे कहा था अगर एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तेरा पाकिस्तान नहीं जाएगा। अभी फिलहाल तो विंग कमांडर गया पाकिस्तान और मेरा काम उन्होंने कर दिया है, तो विंग कमांडर ने जो किया है अभिनंदन ने, मुझे वही करना था और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। जय हिंद मिस्टर अभिनंदन। नमस्कार जी, हमारी पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार से बात हुई थी, शीला दीक्षित ने कहा था कि जी वो बिजली मुफ्त कर देंगी, बिजली के दाम कम कर देगी, लेकिन दिल्ली के वासियों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जी। बदला लेना भी हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। यारे तेरे यारे चल माना, इस बारे सारे मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारे, यारे तेरे यारे चल माना इस बारे। हाँ बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला, क्या मैं फेंकता हूं, क्या मैं फेंकता हूं, क्या मैं फेंकता हूं, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, मैं कई तरीके से बोलता हूं। आप उसको मत किया करो, मत किया करो। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, आप इसे मत करो या मत करो यह आपका फैसला है, लेकिन एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस आवाज को सुन लो, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए सत श्री अकाल। में कोई कमी है, लेकिन हमने ये नोटिस किया है भैया, पिछले कई सालों से हमें फिल्में नहीं मिल रही है, हमें थोड़ी सी फिल्में करने का मौका मिल जाता तो भैया हम लोग अपने टैलेंट को अच्छे से दिखा सकते हो। भैया हमको एक बार एक फिल्म करने का मौका दो ना भैया। अरे भैया क्या तमाशा क्या फैला रखा है यहाँ पे, क्या तमाशा क्या हुआ, क्या तमाशा क्या फैला रखा है भैया, एक बार समझ लो, एक बार समझ लो, लिख लो कागज़ पर, लिख लो, सेव कर लो, कंप्यूटर पर जाकर सेव कर लो। अभी क्या है कि अभी अगले महीने वर्ल्ड कप आ रहा, निकल लो। मेरा नाम संजय दत्त है और जब मैं 27 साल का था ना मैं, तो मेरी आवाज़ ऐसे ही होती थी, उस वक्त मैं ऐसे ही बोलता था। अब क्या कि अभी थोड़ा लोचा वोचा हो गया है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ना खराश आ गया है, तो आजकल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अभी क्या है कि अभी मेरा क्या कोई इंटरव्यू ले रहे हो तो बताओ, जाओ निकलो, लेकिन सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर पहली बार आए देखने को, जाओ अच्छा करेगा, ऑल द बेस्ट। जवानी का जोश है, खून गर्म है या पतला, ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुम आदमी कैसे हो। मेरा नाम नाना पाटेकर है, सब लोगों ने मेरी ऐसी खिल्ली उड़ाई है, मैं तेज नहीं बोलता हूँ, कभी कभी मैं धीरे भी बोलता हूँ, मेरा तरह धीरे बोल के भी दिखाओ। अरे कौन सी फिल्म में मैंने इतना तेज बोला, मैं हर फिल्म में तेज नहीं बोलता, कभी कभी तेज बोलता हूँ, कभी कभी स्लो भी बोलता हूँ, जब मैं स्लो बोलता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ। हंसी नहीं है ये, आवाज निकली है। भाई और बहनों, क्या कमाल की बातें कर रहे हो तुम लोग। मेरा दौर आज भी है, मेरा दौर कल भी था और मेरा दौर आगे भी रहेगा। ओह आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। ओह आप मेरी आवाज़ सुनना चाहते हो, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। वो जानते हैं मुझे, मैं भी उन्हें जानता हूँ।
आई जस्ट डोंट नो। वैसे भी बोल सकता हूँ, मैं जादू के जैसे भी बोल सकता हूँ। मैं जादू के साथ में जब मैं जादू बना था तो वैसे बोलता था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप मतलब के यू 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 जाओ कर दो सब्सक्राइब इस चैनल को और लाइक कर देना। अरे अरे सुमन लाइक करो ना, अरे करे कर देना। पहले कई फिल्में की है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि फेरी मेरी गर्दन ठेरी क्यों हो गई। पहले बहुत कोशिश की थी कि मैं ऐसे करके बोलूँ, लेकिन जब भी कोई डायलॉग डिलीवर करता हो ना, तो मेरी गर्दन ठेरी हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई बहनों, क्या जो फैसला मैंने लिया क्या वो सही था कि नहीं था? भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब मेरी सरकार आई सब कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ? क्या सब कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम तुम्हें देख के हैरान नहीं हुए रणवीर सिंह, तुम्हारी फिल्म अपना टाइम आएगा, हमें बहुत पसंद आए। क्लोज अप मैक्स फ्रेश, इसमें है अनोखे कूलिंग पिस्टल्स जो दे ताजगी का धमाका। मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, मेरा नाम प्राण है और प्राण किसी के साथ कभी दोस्ती नहीं करता। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए। अरे दे वाह, कितनी दफा बताया तेरे को मेरा नाम नहीं मालूम क्या? तेरे को मेरा नाम नहीं मालूम सलमाइला क्या करता रे? अपन का नाम है बाबू राव गणपत राव आपटे, समझ में आया? बत्ती बना के डाल लो गल में। क्या बात क्या बात, अपन का नाम, अरे अपन का नाम सारा संसार जानता है, सारी दुनिया में अपन फेमस है क्या? अगर आपको अपन का आवाज सही लगा तो अभी लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का और साथ में बोलने का है क्या? क्या बात क्या बात क्या बात। देखिए आए, देखिए मैं आपसे ये बात कहने आया था कि अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर करें, शेयर करके फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए भैया हमने जो भी किया आपके कहने पे किया, हमसे कह दिया कि तुम यहां नहीं आओगे। देखिए भैया अरे यार मैं ये सोच रहा था कि कैसे शुरू करूं यार। अभी कितनी फिल्में बन गई हैं, मैंने दंगल बना दी थी, उसके बाद जो दोबारा फिल्म बनी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, सोचा था कि फिल्म हिट हो जाएगी लेकिन नहीं हिट हुई, लेकिन फिर भी जॉनी डेप ने कमाल का काम किया था। ओह मतलब मैंने काम किया था आइला। अरे माथुर, जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना, मेरे शरीर में सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं और उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। यार से मैं बैठ करता हूँ मेरे भाई, मेरी थोड़ी सी बात सुन लो मेरे भाई। ना ना, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे भाई ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अरे अगर आपने शिंचन की आवाज़ नहीं सुनी तो यहाँ से शिंचन की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी आवाज़ शिंचन जैसी लगती है। अगर आपको मेरी आवाज़ शिंचन जैसी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझे? जाओ अब। मैंने कभी शिंचन का कोई डायलॉग याद नहीं करा, इसलिए मुझे कोई डायलॉग नहीं आता। आप से ये मैं जानने की पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी फिल्म में क्या प्रॉब्लम आई थी। अंकल मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आपको अगर मेरे साथ ये फिल्म देखनी थी, अगर पापा की फिल्म नहीं चली, थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म नहीं चली, तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा फ्लॉप हैं, पापा की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। Hi guys, I came here after very long time. अभी हाल ही में कोई फिल्म तो नहीं आई, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं खाली हूँ या कोई काम नहीं कर रहा। तो थोड़ा इंतज़ार करो, मेरा काम आपके पास आ जाएगा। वैसे फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी आवाज़ के ऊपर काम करने की, इसको सुधार रहा हूँ, और जब ये ठीक हो जाएगी तो आई विल बी बैक। थैंक यू। यह जानने की ज़रूरत नहीं है,
आगे देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ भी करो, करते रहो, ढक्की चिकी आ, ढक्की चिकी आओ, पढ़ के पाइया, लुका छुपे मैं हमेशा जीतता था, मेरा इसमें कुछ नहीं क्या, मेरे पीछे लोग दौड़ दौड़ के आते थे, मुझे पकड़ते थे, मेरी शक्ल देख ऐसी थी, काली थी, मुझे बोलते तू एक्टर नहीं है, मैंने बोला मैं एक्टर नहीं हूँ तो क्या हो गया, आज देख रहा है मैं एक्टर बन गया, कमाल की बात ना, मैं एक्टर बन गया, यह कमाल है, यह कमाल मैं कर सकता हूँ, मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, इसलिए मुझे फिल्मों में काम मिल गया। Yeah, it was very easy to hit the ball on the offside. Saurav played well, Bhachi played well. After all, yeah, everybody played well.